ये देखिए कितनी खूबसूरत, ये जो आप देख पा रहे हैं भगवान गणेश की मूर्तियां जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि जिस तरह से कैप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जम्मू में तैयारियां जो हैं वो गणेश चतुर्थी की शुरू हो चुकी हैं, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कौन सी लोकेशन होगी। वैसे तो अगर आपको समझ आ गया कि कौन सी लोकेशन है तो भी आप ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो भी हम आपको बता देते हैं। इस वक्त हम लोग त्रिकुटा नगर से छन्नी को जो रास्ता जाता है वहां पर हम लोग मौजूद हैं। ये वाला रास्ता अगर आप आगे जाएंगे तो ये रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ निकलता है, और इस रोड पे आप देख सकते हैं कि नहर वाला रोड इसे कहा जाता है। इस नहर वाली रोड पे कितनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां जो है वो भगवान गणेश की लगाई गई हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद साहू। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से आप, तो आप बताएं कि यहाँ पे आप जम्मू में कब से रह रहे हैं? मेरे को अब 30 साल हो गया रहते हुए कटरा वैष्णो देवी में। अच्छा, कटरा वैष्णो देवी में। तो ये गणेश चतुर्थी का त्योहार जल्द ही आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो उत्साह है महाराज, हम इसको बड़ा उत्साह से मनाते हैं। भक्ति है? भक्ति है। तो कितने अभी तो ज्यादा दिन रहे नहीं है, 4 तारीख हो गई है, 2 दिन रह गए हैं, तो पास ही आ गया है त्योहार, कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है, खुशी है, तभी आए हैं मूर्ति खरीदने। आप कुछ कहना चाहेंगे? ना, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे लोग थोड़े शाय भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा सन कुमार। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हो, तो पास ही है त्योहार, कैसा लग रहा है? अच्छे लग रहा है। तो मूर्ति खरीदने आए हो? हाँ। तो आपको सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी लगी यहाँ पे? वो उधर है, सबसे आगे जाके। हाँ। सभी अच्छे ही मूर्ति है महाराज, लेकिन उधर अच्छे लग रहे हैं। सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छी है मूर्ति। तो मूर्ति खरीद के जाओगे आज? हाँ, जो छोटी रहेगा वो भी अच्छे रहेगा, जो बड़ा रहेगा वो भी अच्छे रहेगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी वाली मूर्ति ज्यादा अच्छी लगती है घर में रखना, छोटी या बड़ी वाली? आप सभी अच्छे लगते हैं, सबके हिसाब से है ना महाराज, किसकी बड़ी चॉइस है, किसी की छोटी चॉइस है, सबकी चॉइस के हिसाब से चलते है ना, चॉइस के हिसाब से। बिल्कुल। तो देखिए लोग भी है यहाँ पर आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक मूर्तियां यहाँ पर लगी हैं। रंग भी देखिए आप कितने खूबसूरत खूबसूरत रंग जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया है इन्हें रंग करने के लिए, इन्हें पेंट करने के लिए। और बात वही आ जाती है कि श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है, और 6 तारीख को ये गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है वो आने वाला है। लोग काफी अपनी तरफ से खुशियां जो हैं वो इसको देखकर मनाते हैं, और ऐसा कहा जाता है, कई तरह की कहानियां हैं गणेश चतुर्थी के इस त्योहार के ऊपर। एक तरफ एक कहानी जो है वो ये कहती है कि इसी दिन चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश द्वारा चंद्रमा को शाप जो है वो दिया गया था। दूसरी तरफ कई और भी कहानियां हैं जो कहती है कि बप्पा को इतने दिन के लिए घर पे लाया जाता है, उनकी सेवा वगैरह जो है वो की जाती है, और उसके बाद फिर उन्हें घर का मेहमान बनाने के बाद जब उनका जाने का समय आता है उस दिन उन्हें विसर्जित जो है वो पानी में कर दिया जाता है। दूसरी तरफ क्या है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब महर्षि व्यास जो है वो कहानी लिख रहे थे महाभारत की, तो उस समय उन्हें चाहिए था कि उनकी स्पीड के हिसाब से, उनकी बोलने की गति के हिसाब से कोई महाभारत की कहानी जो है वो तेजी से लिखे। ऐसे में भगवान शंकर ने भगवान गणेश जी से कहा कि जाओ पुत्र, तुम मेरे लिए ये जो कहानी है वो जहाँ जाकर वेदव्यास जी की मदद करो और लिखो। ऐसे में जब उन्होंने लगातार इतने दिन ये कहानी लिखी महाभारत की, तो उसे लिखने के बाद उनके शरीर में काफी गर्मी जो है वो हो गई थी, तपिश हो गई थी, कहा जाता है कि उन्हें ऐसे बुखार सा हो गया था। तो उसके बाद जो है वो बुखार उनके ऊपर से उतारने के लिए इतने दिन तक उनकी सेवा की जाती है, ध्यान रखा जाता है, और बाद में आखिर के दिन उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। पर आप ये बताइएगा कि आप गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कौन सी कहानी जानते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा। और अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो एक ना एक गणेश जी की मूर्ति जो है वो अपने साथ घर भी लेकर जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, सेवाराम के साथ साक्षी सानी की रिपोर्ट जम्मू।